अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाने जा रहे हैं शामी कबाब। दाल मैंने पहले भिगो के रख दी थी। इसमें हम डालेंगे प्याज, अदरक और लहसुन, और इसमें गोश्त डाल के और हम लोग बना लेंगे शामी कबाब का मसाला। नेशनल का रखा है इसमें मैंने, और ये 1 किलो का मसाला होता है, लेकिन इसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से मैंने गोश्त और चने की दाल थोड़ी एक्स्ट्रा डाली है। साथ में थोड़ा सा लाल मिर्चें और धनिया डाल दिया, नमक नहीं डाला क्योंकि नमक वैसे ही एक्स्ट्रा होता है इसमें। और इसको हम गला लेंगे। देखें, यहाँ पे गोश्त और चने की दाल गल गई है। अभी हम इसको, इसमें मैंने 3 आलू डाले ताकि इसका नमक नॉर्मल हो जाए। साथ में हरी मिर्चें, हरा धनिया, प्याज और अंडा डलेगा, और इसको हम अभी कूट लेते हैं। आप लोग चाहें तो इसे चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ी ठंडे में इसे कूट लिया। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखें, यहाँ पर मसाला बहुत अच्छे से मैश हो गया है। बिल्कुल फाइन मैश हो गया है ये। तो अभी हम इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया, आप चाहें तो पुदीना भी डाल सकते हैं, और कच्ची प्याज, ये सब डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे और शामी कबाब बना लेंगे। देखें, बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है और शामी कबाब भी बहुत अच्छा बना है। आप इसे इस तरीके से फ्रीज भी कर सकते हैं। कुछ शामी कबाब मैंने बना लिए ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूं कि कैसे बने। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे शामी कबाब, टेस्ट में भी बहुत अच्छे बने थे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत ही टेस्टी शामी कबाब, बच्चों को खा के बहुत मज़ा आया। अल्लाह हाफिज़।